ये गुस्सा होके बैठ गई है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी दिन की शुरुआत कर रहे होंगे अगर ये वीडियो सुबह देख रहे हैं, और अगर शाम को देख रहे हैं तो भी एंजॉय करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। आज का वीडियो होने वाला है विंटर मॉर्निंग रूटीन का। मैं और मेरी बेटी का क्या रूटीन रहता है आप सभी से शेयर करूंगी, सो एंजॉय इट। विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बस 7 बजे हम लोग उठते हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो मैं अभी बना रही हूँ श्रिया का ब्रेकफास्ट। हर दिन का मेन्यू डिसाइडेड रहता है कि टिफिन में क्या रखना है, तो आज बनेगा पोहा और श्रिया को पोहा बहुत पसंद है।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रिया को ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो मूंगफली के दाने, मटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ पोहे में, क्योंकि उसके दांतों में फंसता है। तो उसे बिल्कुल सिंपल प्लेन पोहा पसंद है, उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे कि चने वगैरह हैं, उसको खाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो ब्रेसेस में फंसता भी है, तो ऐसा नाश्ता मैं उसे नहीं रखती हूँ। स्कूल बच्चों का होता है, लेकिन हमें भी सुबह उठना पड़ता है, वो सारी ड्यूटीज़ को करना होता है। पहले जब हम छोटे थे तब हम स्कूल जाते थे, सुबह उठते थे और सारी चीज़ें करते थे, अब बच्चों के लिए उठना रहता है। तो चाहे वर्किंग मॉम हो या फिर ना हो, एक ड्यूटी तो लगी ही रहती है फीमेल्स की, वो है कि आपको सुबह से उठ के सारी चीज़ों को करना है फ्रेंड्स, है ना। तो पहले जब श्रिया के लंबे बाल थे ना 2 साल पहले, तो चोटी उतने अच्छे से वो बना नहीं पाती थी, स्पेशली स्कूल के लिए तो वो चोटी मुझसे ही बनवाती थी। लेकिन जब से उसने शॉर्ट हेयर रखे हैं तब से मुझे काफ़ी आराम है, क्योंकि वो खुद बना लेती है और अच्छे से बना के चली जाती है स्कूल। बहुत ही थोड़ा सा वो लंच लेके जाती है, मतलब ब्रेकफास्ट जैसा थोड़ा खाकर जाती है, बाकी वो लंच में खाती है, जैसे पोहा वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और वो घर पर आके फिर लंच करती है। पराठा सब्जी जैसा हैवी वो नहीं ले जाती। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ दिन बाद ही मैं सेकंड पार्ट पब्लिश कर दूँगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाने का सोचा। और अभी ये नेल्स वगैरह कट कर रही है, थोड़े से भी बड़े होते हैं ना तो स्कूल में बोला जाता है, तो इसलिए वो हर दिन चेक करती है अपने नेल्स, थोड़े से बड़े तो नहीं है, हर दिन तो नहीं, हाँ लेकिन ऑल्टरनेट डे में उसको चेक करना पड़ता है और कट करके जाना होता है। श्रिया अभी 10th क्लास में है, और 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस अभी अच्छे से पढ़ाई करने में लगी हुई है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। श्रिया के जाने के बाद मेरा एक्चुअल जो रूटीन है वो शुरू होता है, जैसे कि गर्म पानी पीना, फिर एक्सरसाइज वगैरह करना, वो सारी चीज़ें मैं उसके जाने के बाद ही करती हूँ, सुकून से करती हूँ, क्योंकि केदार भी कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं वॉक के लिए, जैसे वो आज उठ गए, अभी वॉक पे गए हुए हैं, तो जब तक मैं अपनी सारी चीज़ें कर लूँगी और उसके बाद जब केदार आते हैं तब हम लोग फिर चाय वगैरह पीते हैं, तो इस तरीके से हमारा रूटीन रहता है। लेकिन हाँ, सीज़न के हिसाब से रूटीन चेंज होता रहता है, जैसे अभी विंटर्स हैं तो थोड़ा लेट लेट शुरू होता
होती है हर चीज़ें, और जब समर्स होते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, मतलब 8 बजे तक तो मैक्सिमम काम मेरे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलती हूँ, वो है एक्सरसाइज करना। तो सुबह के टाइम में है ना, अपनी गर्दन से रिलेटेड जो मुझे भी बीच में पेन हो गया था अपने नेक में, तो वो वाली एक्सरसाइज करती हूँ ताकि बैकबोन की पूरी एक्सरसाइज हो जाए। और इवनिंग आवर्स में मैं करती हूँ वॉक, तो मेरे मतलब 10,000 स्टेप्स मैं पूरे करती ही हूँ एनी हाउ, मुझे करना है रोज़। हाँ, बीच बीच में स्किप तो होता है, मैं क्या करूँ, मैं कई बार मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब पूरे हफ्ते में 4 दिन तो मैंने बना के रखा है कि मुझे वॉक करनी ही है एट एनी कॉस्ट। तो बस वो चीज़ मैं अपना लेकर चलती हूँ, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम सब चीज़ों को संभाल पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। मेरी चाय है ना फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी, ऐसी मेरी बीरबल की चाय होती है। तो जितने भी घर के लोग हैं ना मेरे, वो सब जानते हैं कि मैं चाय को रख देती हूँ और उसके बाद सारे काम करती रहती हूँ। मुझे गैस के पास खड़े रह कर चाय बनाना बड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं रख देती हूँ चाय को, जब तक वो उबलती है तब तक मैं अपना बेड बना देती हूँ, या फिर कभी अपने पेड़ पौधों को देख लेती हूँ, या फिर कभी कुछ ना कुछ सामान इधर का उधर जमाने लग जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही टाइम को इन्वेस्ट कर दिया और किचन में मैं खड़ी नहीं हूँ बहुत देर तक, तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। जैसे अभी मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी, कुछ सामान इधर उधर कर लूँगी। हाँ, सबसे मेरा जो फेवरेट काम होता है ना सुबह वाला, वो होता है पेड़ पौधों के पास जाना, जिनको मैं अपने बाल बच्चे बोलती हूँ, क्योंकि इनकी केयर भी बच्चों की तरह ही हमें करनी पड़ती है। तो बस मैं यहाँ आती हूँ, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 बाल नहीं है, तीनों में अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। जैसे कि ज़्यादा धूप जहाँ पर आती है वहाँ पर मैंने धूप वाले प्लांट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने रखे हैं मनी प्लांट जिनको कम धूप चाहिए रहती है, और भी जैसे कि सिंगोनियम रखा हुआ है यहाँ पर मैंने, तो इस टाइप के प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं जिनको कम धूप चाहिए होती है। तो बस यहाँ आई हूँ, कभी पानी देना रहता है कभी नहीं, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत कम पानी इनको चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से मैं इनको चेक करती रहती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ टाइम बिताना। ये गुस्सा होके बैठ गई है यहाँ पर और ये कुछ सोच में पड़ी हुई है और ये भी कुछ सोच में या नींद में है। तो मुझे ये तीनों डॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं। सो बस 2-4 काम निपट गए और साथ में चाय भी उबल गई, तो अब इसमें मैं डालूंगी गुड़ पाउडर। हम लोग शुगर नहीं लेते हैं, काफ़ी सालों से नहीं ले रहे हैं, अराउंड 4 साल हो गए हमको, तो बस गुड़ पाउडर डालूंगी और उसके बाद हमारी चाय हो गई रेडी। तो बस चाय पियेंगे और उसके बाद सारे कामों को करेंगे, पहले एनर्जी तो ले लें, तभी तो हम सारे काम कर पाएंगे। तो बस चाय नाश्ता सज गया है टेबल पर और हम लोग अब पेपर पढ़ते पढ़ते
खाएंगे और चाय पियेंगे, मतलब मज़े लेंगे सुबह के। बहुत ही अच्छी लगती है सुबह गरम गरम चाय, है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। और साथ में है पोहा, तो फिर बात ही क्या, और टोस्ट के बिना तो मेरी चाय पूरी होती ही नहीं है। Hey guys, this is all for today's video. I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ, इसका कंटिन्यू पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। दो तीन सेगमेंट में मैं डालूंगी अपने चैनल पर, तो देखते रहिए चैनल को, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। आपसे मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।